अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मार्केट के अंदर जो क्यूरीज जारी होती है हमारी कोशिश होती है उनको रिस्पॉन्ड करें। आजकल मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, रेट्स के हवाले से अपवर्ड ट्रेंड है, ट्रांजेक्शन बहुत सारी हो रही हैं, मेच्योरिटी चीज़ों की, मतलब किसी चीज़ को बाय करना हो तो उसका एक अलग एक टास्क होता है। तो क्यूरीज में जो ज़्यादा क्यूरी है वो मार्केट करंट सिचुएशन, करंट रेट्स और फ्यूचर में प्राइसेस किस तरफ जा रही हैं, या इस वक्त जो प्राइसेस हैं ये जेन्युइन प्राइसेस हैं या इनमें कोई बबल है या आर्टिफिशियल है, इसके बारे में बहुत सारी क्यूरी चल रही। वैसे तो पिछले 6 महीने को अगर हम इसको स्टडी करें तो हम बहुत सारे दोस्तों को ये चीज़ क्लियर होगी कि ये बबल इसमें नहीं है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल होता है या बबल प्राइस होती, अगर प्रोजेक्ट छोटा है, इन्वेंट्री थोड़ी है, तो उसमें आप बबल बना भी सकते हैं और उसको थोड़ा सा लिंगर ऑन भी कर सकते हैं। जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें किसी बबल को बनाना या आर्टिफिशियल प्राइसेस का राइजअप करना और फिर लॉन्ग टर्म लेके चलना, ये प्रैक्टिकल नहीं होता। और 6 महीने बहुत बड़ा टाइम है। ये जो बबल बनते हैं, आर्टिफिशियल प्राइसेस बनते हैं, वो 2-3 हफ्ते इससे ज़्यादा चल नहीं सकते, क्योंकि जब कोई आर्टिफिशियल प्राइस बढ़ानी होती, करनी होती, तो उसमें ये होता है कि मार्केट में अवेलेबल इन्वेंट्री को जाके उठाया जाता है, और उठाना भी सारी के लिए फुल पेमेंट नहीं की जाती नॉर्मली। जो ये काम कर रहे होते हैं या जो उनको ये टास्क मिलता है मार्केट को आर्टिफिशियली ग्रो करने का, तो वो जाके टोकन करते हैं, चीज़ों को होल्ड करते हैं, और 2-3 हफ्ते जैसे पेमेंट का टाइम होता है, तो जब पेमेंट का टाइम होता है, पेमेंट बैकअप से होती नहीं, ना ही करना होती, तो उस वक्त दोबारा मार्केट में सेल करते हैं, तो जो बबल बनता है एकदम मार्केट से चीज़ें उठी और रेट बढ़ा, और जब पेमेंट का टाइम हुआ तो पेमेंट है नहीं, तो एकदम फिर दोबारा फर्की वापस आ जाती। तो 6 महीने जब टाइम गुजर गया तो एक हमें अंडरस्टूड है कि ये बबल नहीं है, कि जेन्युइन प्राइस है और जेन्युइन राइजअप है। अच्छा, ये जेन्युइन जो प्राइसेस बढ़ी हैं, इसकी 2-3 सॉलिड रीज़न है। इससे पहले तो बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, जो मार्कअप के हवाले से, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, एमनेस्टी स्कीम है, ये सारे फैक्टर आपने जगह पे। जो सबसे सॉलिड फैक्टर है जो मुझे इस वक्त नज़र आता है वो ये है कि जब कराची के लोगों को, यहाँ के लोगों को, जिनका बहरे टाउन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंसर्न था, कभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का, यहाँ पे शिफ्ट होने का, यहाँ पे ट्रेड करने का वो सोचते थे, तो जो हर्डल चल रही थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वो किसे चल रहे थे, डेवलपमेंट चार्जेस बहरे टाउन ने लगाया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आ रहे हैं, उसमें वहाँ पर डिबेट हो रही है, फिर जमात इस्लामी के डिबेट्स हो रही हैं, मलिक साहब आ रहे हैं जा रही, एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी, नेगेटिविटी क्रिएट थी, लोग बड़े डिस्टर्ब थे, बेचैन थे और अपसेट थे कि पता नहीं बहरे टाउन के साथ क्या होंगे। वो सारी चीज़ें सेटल डाउन हो गई, ठीक हुई, नहीं हुई, कुछ लोग उसमें सेटल हो गए, कुछ लोगों के शायद अभी भी इश्यूज़ हैं, बट वो अब हाइप नहीं है, क्योंकि वो हाइप नहीं है तो प्रोजेक्ट तो एक ऐसा है जिसमें लोग आना चाहते हैं, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी कम्युनिटी है, जिसकी लिविंग है, उसमें तो किसी का क्वेश्चन नहीं है। ये जो सारी हर्डल थी उसको रुके हुए थी, वो सारी खामोश होगी, सेटल डाउन होगी, तो प्राइस बढ़ना शुरू होगी। लोग जो मूव करना चाह रहे थे उन हर्डल्स की वजह से, उन नेगेटिविटी की वजह से, उस हाइप की वजह से रुके हुए थे, वो यहाँ मूव होना शुरू हो गए। जब यहाँ पे मूव हुए तो ज़ाहिर है 2 साल तक की ये हर्डल चली थी, ये हाइप क्रिएट हुई थी, तो 2 साल तक लोग यहाँ पे मूव नहीं कर पा रहे थे, तो 2 साल में मोमेंटम बहुत ज़्यादा बन चुका था, लोग यहाँ पे शिफ्ट होना चाह रहे थे, क्योंकि इसका अल्टरनेट यहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं, बहरे टाउन जैसा कराची के लिए स्पेशली इतना अच्छा प्रोजेक्ट है नहीं, तो ऑप्शन यही एक थी। तो वो जो मोमेंटम एकदम उसके साथ लोगों ने यहाँ पे मूव किया, तो सबसे पहले लोगों ने जो यहाँ पे आके शिफ्टिंग के बारे में प्लान किया, तो बिल्ट इन प्रॉपर्टीज़ वही थी जो बहरे टाउन ने बना के दी, वो लिमिटेड थी, वो फिल हो। पिछली कितनी वीडियोज़ में एक डिस्कशन चल रही थी कि प्लॉट्स के रेट्स नहीं बढ़ रहे, सिर्फ बिल्ट इन प्रॉपर्टी के रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं, यही रीज़न है, क्योंकि लोग आके शिफ्ट होना चाह रहे थे, मूव होना चाह रहे थे, भले वो रेंट पे, भले परचेज करके, जिस भी सूरत, तो पहली प्रायोरिटी यही थी। तो वो जब आए, परचेज की जो अवेलेबिलिटी थी मार्केट में, जब वो कंज्यूम हुई तो एकदम प्राइसेस बढ़ना शुरू हो। तो हम सब ने बारहा डिस्कस किया कि कितनी रेट्स बढ़े, 1 करोड़ 10 वाली प्रॉपर्टी या विला आज आपको 1 करोड़ 60 में मिलता है, स्पोर्ट्स सिटी विला 1 करोड़ 35-40 का था, 2 करोड़ क्रॉस कर गए, इसी तरह ये सारे ऑलमोस्ट कोई, पहले हम 20-25% की बात करते थे, आज हम गालिबन कोई अराउंड 50% का इंक्रीमेंट पिछले 6 महीनों में बात कर सकते हैं कुछ एरिया में। तो वो क्या था, वो विलाज थे, तो विलाज में इंक्रीमेंट की रीज़न यही थी। अब जब विलाज ख़त्म हो गए, अवेलेबिलिटी कम होगी या प्राइसेस राइजअप कर गई, एक लेवल तक चली गई, तो फिर अल्टरनेट ऑप्शन क्या था कि प्लॉट के ऊपर खुद कंस्ट्रक्शन की जाए। इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो कंस्ट्रक्शन का हो रहा है।
कंस्ट्रक्शन पे काम सिर्फ इस वजह से कि लोग मूव होना चाहते हैं, लोग शिफ्ट होना चाहते हैं, ये एंड यूज़र है, ये वो है जो यहाँ पे अपना ख्वाब, जो अपना ड्रीम, अपना घर देखते हैं, यहाँ आके रहना चाहते हैं, इस लिविंग स्टैंडर्ड को एंजॉय करना चाहते हैं। इसी वजह से यहाँ पे इस वक्त मैक्सिमम काम कंस्ट्रक्शन पे हो रहा है और पैरेलली अभी प्लॉट्स के ऊपर भी काफ़ी काम शुरू हो गया है। बहुत सारे एरियाज में बहुत सारी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। हम 12 वीडियोज़ में ये चीज़ें प्रेसेंट टू प्रेसेंट अलग अलग वीडियोज़ बना के वहाँ के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, कितने विलाज बन गए हैं, फिर यहाँ के प्लॉट्स की प्राइसेस कितनी इंप्रूव हुई हैं, ये आज कितनी हैं, एक महीना पहले कितनी थी, चार महीने पहले कितनी, हम पूरी एक्सपीरियंस के साथ वन बाय वन आपको साथ एजुकेट कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये प्राइसेस किस रेंज से किस रेंज तक पहुँच चुकी हैं, किस रेशो से बढ़ रही हैं, कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा उसमें प्राइसेस बढ़ी है, कहाँ ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, विला कहाँ ज़्यादा बन रहे हैं। तो समराइज अगर करते हैं तो जो करंट सिचुएशन है वो यही है कि लोगों का मोमेंटम जो है वो बन चुका था, अब उसी मोमेंटम के साथ यहाँ मूव कर रहे हैं, जिस जिस एरिया में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ ट्रेडिंग हो रही वहाँ वहाँ प्राइस बढ़ रही है। सबसे पहले बिल्ट इन प्रॉपर्टी की बारी है, फिर उसके बाद जो मेन गेट के पास के प्रेसेंट थे या वो प्रेसेंट थे जहाँ ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जिसमें प्रेसेंट 1 नली ब्लॉक, प्रेसेंट 6, 8, 16, प्रेसेंट 4 बरिया हिल, ये वो एरिया थे जो पे पहले से कंस्ट्रक्शन हो रही थी, इनमें सबसे पहले राइज अप आया। बहर जहाँ पहले घर बन रहा होता है, बना हुआ है, लोग शिफ्ट हुए, सबसे पहले लोग वहाँ मूव करते हैं। अब पूरे बहरिया टाउन में हर जगह, हर प्रेसेंट में, जहाँ जहाँ पोजेशन है, हर जगह विलाज बन रहे। आप हमारी मुख्तलिफ वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं, विलाज बन रहे हैं और बहुत सारे विलाज की ड्रैंग अप्रूवल की जो केसेज हैं वो प्रोसेस में हैं। बहरिया टाउन हेड ऑफिस में, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा प्रेशर इस वक्त जो है वो ये ड्रैंग अप्रूवल का है और यही फेज चलता रहता है और जो कि चलता नज़र आ रहा है। तो मैं समझता हूँ आने वाले 6 महीनों में आज जो पूरे बहरिया टाउन में अंडर कंस्ट्रक्शन विलाज देख रहे हैं, शायद इससे कहीं ज़्यादा आपको ऑन ग्राउंड नजर आएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे भी ड्रैंग अप्रूवल के लिए पोर्ट हो चुके हैं। फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो प्राइसेस चूँकि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ी हैं, किसी को इतना आइडिया नहीं था कि इतने थोड़े टाइम में इतनी ज़्यादा प्राइसें बढ़ेंगी। अभी क्या रिवर्स होगी मार्केट, क्या करेक्शन आएगी, क्या होगा, मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई रिवर्स मार्केट वाली को बात है। हाँ, फ्लक्चुएशन थोड़ी बहुत ज़रूर हो सकती है, करेक्शन थोड़ी बहुत ज़रूर हो सकती है किसी न्यूज़ की बेस पे या किसी भी प्रोडक्ट की बेस पे, लेकिन चूँकि अब लोग आके एंड आके यहाँ पर आबाद हो रहे हैं और इस कम्युनिटी में एडजस्ट हो गए हैं, बहरिया टाउन का सिटी से दूरी, यहाँ एजुकेशन का इशू, यहाँ पे बेसिक कम्युनिटीज का इशू, नई जगह है, बहुत ज़्यादा लिविंग नहीं है, सिटी के अंदर से जो लोग मूव करते हैं वो बड़ी हसल बसल के आदि होते हैं, यहाँ इस तरह की हसल बसल नहीं है, तो ये बहुत सारी हर्डल लोगों ने यहाँ आके अपने आप को एडजस्ट कर लिया, तो ये हर्डल भी ऐसे ऐसे खत्म हो रही हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल तक ये चीज़ें इसी तरह ही चलती नज़र आ रही हैं और ये इसी तरह चीज़ें चलती रहीं तो मेरा ख्याल है कि हम फिर वो पुराने रेट्स को ज़रूर याद किया करेंगे। बहरिया टाउन के अंदर इंशाल्लाह हम टाइम टू टाइम आपके साथ चीज़ों को अपडेट करते रहेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। थैंक यू।